नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। यूपी पुलिस में नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। इसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यूपी पुलिस इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रोमोशन बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर जानकारी भी शेयर की है। जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पेट, पीएमटी, डिटेल्स मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा इस साल से हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। इस हाइब्रिड मोड परीक्षा पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होगा और जवाब ओएमआर शीट में देने होंगे। यूपी पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस द्वारा जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार कुल 62,424 पदों पर पुरुष और महिला कांस्टेबल, एसआई और अन्य पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें से 2,699 कांस्टेबल पदों के लिए है, जेल वार्डन के लिए 2,469 सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए, 2,430 रेडियो ऑपरेटर के लिए है, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और वहीं 545 लिपिल कैडल के लिए और 521 स्पोर्ट्स कोटा नागरिक पुलिस पद के लिए शामिल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।